थोड़ा सबर रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। पांच साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। बेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके क्या? अरे अपना नेता को जाके चर्चा मत करो, आप अपनी बात कहिए। आई हम्बली अर्ज द गवर्नमेंट टू सेट असाइड एरोगेंस एंड एम्ब्रेस विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इंटीग्रेटिंग देम इनटू आवर अप्रोच। Sir, only 3 states in the country have enterprises where women own more than 3 out of 10 establishments. And these 3 states are Telangana, West Bengal, and Karnataka. It's not coincidental, sir, that all 3 states are governed by non-BJP political parties. And I have no qualms or hesitation in saying that BJP and women empowerment simply don't align and is rather paradoxical. So now I come to the deprive, like the honorable member has deprived. Yes. Sir, D for deprive. Yes. You spent 20,000 crore on revamping Central Vista. You did this. Abhishek, you did this to improve Abhishek, the homes please, of the rich. Please listen. Influential. Please. And powerful. Abhishek, please. What have you done please, for the homeless? Please. In the cities, in jo, the towns, jo, please, in the villages. Abhishek, please listen. Jo is sadan ka, please. Ek minute. Jo is sadan ka member nahi hai, aap inka bare mein bol nahi sakta. Please. Yes, sir. Sir, nikal de sir. ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है नहीं है तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बड़े जंतू, हमी हाथ जंतू, हमी हाथ बड़े, प्लीज आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरीबा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं प्लीज प्लीज, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मांगे। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। मोदी जी की तीसरी बार गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार। सर ओवर द पास्ट डिकेड द बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड इट्स बांग्ला विरोधी स्टैंड्स अबंडेंटली क्लियर बाय डेलिबरेटली डिप्राइविंग पीपल एंड अब्यूजिंग पावर टू सप्रेस बंगाल्स वॉइस। दे हैव मेड एन एरे ऑफ हॉलो प्रॉमिसेस, डिसरेस्पेक्टेड बंगाल्स कल्चर एंड हैच्ड कंटिन्यूअस कॉन्स्पिरेसीज टू टार्निश द स्टेट्स इमेज। फेलिंग टू फाइट अस पॉलिटिकली यू डिक्लेयर्ड an all-out war on our rural poor, depriving them of roti, kapda and makan. Sir, Honorable Finance Minister gave a statement today in Rajya Sabha saying that Bengal has failed to implement the scheme that Central has aided in the last 10 years. Sir, I challenge the Honorable Finance Minister if she can release the white paper of how many dime, penny or rupees the central government has given to Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal legislative elections in 2021. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूंगा वो सही हो सकता है, आप उसके टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर कागज तो झूठ नहीं कहता है, मैं बस इतना कह रहा हूं
कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूँ, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, चिल्ला रहे, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है। बी फॉर बिट्रायल, यू फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, डी फॉर डिप्राइव, जी फॉर गारंटी। मैंने बोला ना सर, ये एक्रोनिम की सरकार है तो मैं एक्रोनिम में ही जवाब दूंगा। तो बजट का बी था बिट्रेयल, यू था अनएम्प्लॉयमेंट, डी था डिप्राइव, जी था गारंटी। अब मैं ई पे आता हूं सर, ई फॉर एक्सेंट्रिक। मोदी जी हैज टर्न दिस गवर्नमेंट और रादर द गवर्नेंस कॉस्टिंग द नेशन डियरली। सर इज ऑब्सेशन विद ग्रैंड स्टैंडिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग द कंट्रीमैन फ्रॉम द रियल इश्यूज, लिविंग इंडिया टू पे द प्राइस फॉर हिज डिक्टेटोरियल डिस्प्लेज। सर ही अनाउंस्ड अनप्लान्ड लॉकडाउन, द गवर्नमेंट्स अब्रप्ट अनाउंसमेंट ऑफ द नेशनल लॉकडाउन इन मार्च 2020 लेफ्ट सिटीजन्स विद ओनली 4 hours टू प्रिपेयर, ट्रिगरिंग अ वाइड स्प्रेड कैओस एंड हार्डशिप। सर द अनप्लान्ड एंड पुअरली इम्प्लीमेंटेड लॉकडाउन रिजल्टेड इन ट्रेजिक डेथ्स ओवर 8700 पीपल, प्राइमरीली माइग्रेंट वर्कर्स ऑन आर रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स। सर नाउ आई कम टू फार्म बिल्स। इन 2020 द सेम मोदी गवर्नमेंट यूनिलैटरली पास्ड 3 कंटेंशियस फार्म बिल्स विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द फार्मर्स और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑपोजिशन पार्टी। प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी, इस सदन में किसान विधेयक। हाँ, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, किसान बिल पर। सर जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। सर भाई उनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं, नहीं पर सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। एक मिनट माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का याद दिलाया। माननीय सदस्य जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोल। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। एक चीज सर, ये जो बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे, मैं कह रहा हूँ सर इनका दम है, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए, और अगर हिम्मत है तो ये चुनौती मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आई एम चैलेंजिंग देम टू कम, नो चुनौती मत दीजिए सदन में, डिबेट विद मी, नो चुनौती, बाहर चुनौती देना, या चुनौती सदन में नहीं। सर डिमोनेटाइजेशन, इन नवंबर 2016 द यूनियन गवर्नमेंट डिमोनेटाइज्ड 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज करेंसी नोट्स, ऑस्टेंसिबली क्या आप No. You don't know that demonetization was done in 2016. No. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहे, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। PM टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सर प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। बेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूँगा सर। अपना नेता को जाके क्या नो, नो। अरे अपना नेता आप को जाके नेता क्या नो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। नाउ आई कम टू द लास्ट लेटर सर, टी माननीय सदस्य, ट्रेजेडी माननीय सदस्य, टी फॉर ट्रेजेडी,
माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं सर जवाहरलाल नेहरू का बात लोग बोलेगा सर सर जवाहरलाल नेहरू का बात लोग बोलेगा कोई साठ साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा दूसरे नेताओं का बात करेगा तब आप कुछ नहीं बोलेंगे सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ जब जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था तब आप चुप थे और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ आपको चुप रहे मणिपुर इज बर्निंग ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 years मोर देन 200 किलिंग्स 70,000 डिस्प्लेसमेंट्स 1,000 होम्स रेकेड सर नो मेंशन ऑफ द वर्ड मणिपुर इन द यूनियन बजट सर अनदर ट्रेजेडी Sir, another tragedy of this government is weaponization of central agencies. Sir, another tragedy of this government has been the weaponization of central agencies to carry out politically motivated witch hunts against opposition leaders, like many of us, including me. Sir, they didn't stop at me or my wife, my elderly parents, my PA, my advocate, Even my 11-year-old daughter and 4-year-old son were not spared. Sir, you tried, the BJP tried to make an example out of me by setting an example for the rest of the country to see by letting ED and CBI go after me. Sir, but what did the people do? Desh mein janta malik hai, koi neta malik nahi hai. The people of Bengal and the people of my constituency elected me 3rd time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah, and the minions of BJP and the rest of the country to see this is the people's power. Sir, if I'll have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. The finance minister made a 7th budget speech. Sir, more empty words, more empty promises, hollow words. This budget has got more fiction than finance. I have exposed the track record of this government, sir, on promises, on governance, on guarantees, and on targets. Since we are talking about the general budget and estimates and figures, we should also take a look at the audit, or try to take a look at an audit. Sir, if you audit the results of 2019 general elections, what will the audit show, sir? The election results are a direct audit of the performance of the Honorable Prime Minister and this government. The PM was the face, the body, and the head of the BJP campaign, which cried, Ab ki bar, char so par. And what is the result of that audit? The result of the audit is BJP lost heavily in Bengal. They were stunned in Uttar Pradesh, shaken up in Maharashtra. Their slogan was, Jo Ram ko laye hai, hum unko layenge, backfired, sir. Okay. Their slogan of, Jo Ram ko laye hai, hum unko layenge, backfired. I would rather say, Prabhu Ram aaye, to nyay aaya. कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया बीजेपी नॉट ओनली फेस्ड अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फ्रॉम द अयोध्या सीट बट इट ऑल्सो लॉस्ट बद्रीनाथ इन द लास्ट बाई इलेक्शन दैट टेक्स मी बैक फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड वक्त बदल गया है द प्राइम मिनिस्टर नाउ लीड्स अ क्रीकी वल्नरेबल शेकी कोलिजन And it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival.
at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. Yes. And I would like to end by saying, thoda sabar rakhiye aur kursi ka peeti bandh lijiye, mausam bigadne wala hai.